चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, जिसमें करीब सैकड़ों लोगों की मौत हुई और ऐसे रोग से संक्रमित लोगों की हमारे देश में अभी संख्या कम ही है। कोरोना वायरस से बचने के लिए चेहरों पर मास्क लगाना भी जरूरी बताया गया है, मगर दूसरी तरफ इमरजेंसी के मरीज जो कई दिनों से दाखिल हैं को कोई मास्क नहीं दिए गए, जिससे मरीजों को ऐसे भयानक बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। इस बारे में SHO डॉक्टर भूपिंदर सिंह ने बताया कि सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं आया है। उन्होंने बताया कि लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी सेहत विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जी सर, जिस तरह के सारे नु पता है कि पूरे वर्ल्ड दे विच कोरोना वायरस जिहड़ा ओह काफ़ी तेजी नाल फैलिया हैगा और इंडिया दे विच भी बड़ा असी स्ट्रिक्ट मेजर्स लै रहे हैं ताकि इत्थे ना फैले। जिहड़े भी पेशेंट जिहड़ियां नोटिफाइड कंट्रीज हैगियां उन्होंने तो आ रहे हैं, उन्होंने एयरपोर्ट और जिहड़ा पोर्ट्स हैगे उत्थे प्रॉपरली उन्होंने एग्जामीनेशन हो रहा है, स्कैनिंग हो रही है और अगर किसी च कोई सिम्पटम पाए जाते हैं तो उन्होंने असी अंडर ऑब्जरवेशन रख रहे हैं। जो कोई इस तरह का पेशेंट साढ़े को पठानकोट आता है तो असी उन्होंने क्योंकि वह पहला उतों की सिम्पटम फ्री होंगे तो ही उतों की आंदा असं उन्होंने अंडर ऑब्जरवेशन रखते हैं और उन्होंने दसते हैं कि भाई प्रॉपर गाइड किया जाता है कि भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सानू उन्होंने दसना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को कि पैनिकी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी पेशेंट हाले साढ़े को इंडिया रिपोर्ट हुए हैं उन्होंने सारे ट्रैवल हिस्ट्री हैगी है उन्होंने कंट्रीज़ के जिते कि बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस जो प्रेवलेंट है और असी पूरी एहतियात कर रहे हैं। लेकिन अपने तौर पर जिन्हें भी साढ़े निवासी ने उन्होंने अपने तौर पर जिन्हें जिस तरह के कफ एटिकेट्स वगैरह हैंड वाशिंग वगैरह वो टैक्नीक्स जरूर यूज़ करनी चाहिए ताकि जिहड़ा हैगा घट तो घट चांस होए इस कोरोना वायरस का होता। जितों तक साढ़े को पेशेंट्स कंसर्नड है क्योंकि हाले यहोजी कोई गल नहीं हुई कि भाई साढ़े कोई केस पठानकोट के रिपोर्ट नहीं होया और ना ही असी कोई साढ़े को संदिग्ध मरीज यहोजा मिले, इसलिए पेशेंट्स नू जिहड़े साढ़े को एडमिट है उन्होंने एज सच हाले कोई यहोजी एडवाइजरी नहीं हैगी कि असी उन्होंने मास्क पवाईए। और जितों तक बाकी साड़ी तैयारी है वो काफ़ी हद तक असी तैयार, साड़ी पूरी रैपिड फोर्स बनी दी हैगी, आइसोलेशन वार्ड हैगी है, बाहर वाले जिन्हें साडे प्राइवेट हॉस्पिटल से उन्होंने सारे अवेयर किया गया और उन्होंने दसिया गया कि जे सपोज कर लो सानू कोई प्रॉब्लम होंगी है तो वेंटीलेटर जिहड़े अपने तैयार रखन और इसलिए रैपिड फोर्स जी मेडिकल स्पैशलिस्ट और ENT स्पैशलिस्ट और एपीडेमोलॉजिस्ट वो सारे हैगे है। जो भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो असं सैंपल लैके उन्होंने भेजेंगे और जोड़े भी सूँ कोई जरूरत हैगी तो करेंगे। जितों तक स्ट्रैचर्स का कंसर्न हैगा सिविल हॉस्पिटल पठानकोट के एनफ मात्रा के स्ट्रैचर्स है, तकरीबन हर वार्ड के दो तीन तीन असी स्ट्रैचर्स दिते हैं और अगर जरूरत पे तो साढ़े को रिजर्व भी स्ट्रैचर्स और हर चीज़ हैगी, अगर जरूरत हो तो ठीक है यूज़ है। जो टेंडर है उन्होंने दिखाना चाहिए माउस वगैरह तो, क्योंकि जो वायरस वगैरह एक दूजे ही जाने सांस की बीमारी है, एक दूजे ही हवा के थ्रू फैलन गए, एक दूजे अज मैनू हो गया कल तुम्हें हो जाएगा। सर कितने देर हो गए थोड़े पेशेंट इतने आए? पेशेंट साढ़े हो गए 3 दिन हो गए ना। हाँ 3 दिन हो गया पेशेंट साढ़े इतने। और कोई मास्क नहीं मिले थोड़ा इतने हॉस्पिटल? नहीं अभी तक तो कोई मास्क मिले नहीं। पठानकोट से अजय कुमार लक्ष्य महाजन की रिपोर्ट।